तो मेहनाज ने हैदर को इतना ठंडा पानी पिला दिया कि हैदर के मुंह से निकल गया पानी। मेरे हैं 9 मैक्सिमम 9 से 10 कपड़े। 9 तो हमेशा तेरे ऐसे आते हैं माशाल्लाह। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड। हां ठीक है, ये भी लिया है। मेहनाज तेरे पर तो वो लगाना बन गया, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। कोई बचा एक ही बल्ले बल्ले। अभी ये आम पके भी नहीं है, कच्चे हैं। हमने खा लिए अभी आधे कच्चे। और ये मेरे हैं, मैं जाने के लिए लेके आई हूं। तो ये लाई हूं मैं हैदर जाने के लिए चैन। आज मम्मी पापा बाहर गए थे, ये लाया था 500 रुपए की बिरयानी लाया था, हमने वो दोबारा दोबारा खा लिया। डबल डबल खाई थी, पेट इतना। ये देखो पापा की हेड का आएगा, यहाँ से आराम से टैब लगा के नोटिफिकेशन दे सकते हैं। यहाँ से भी गिरने जाए। अरे वाह, देखो पूरा चिपक गया। देखो पापा ने पीछे से पकड़ रखा, टैब छोड़ दिया। देखो कितनी इसकी मैग्नेट, देखो कितनी स्ट्रांग है। लेकिन आज प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी आपको सैलून का एड्रेस। तो ये हो रही मेरे बालों में ट्रेसिंग। और गाइस अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मम्मी का कुछ सामान रह गया था। तो मम्मी जा रही थी तो हम लोग भी आ गए मम्मी के साथ। और मम्मी सही कह रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, और सच में बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, मम्मी तुमने नहीं, मम्मी हाँ मम्मी तुमने एकदम सही बोला था कि गर्मी नहीं, नहीं जान खान लग रही है मेरे को। मम्मी का गर्मी लगने लगी थी, ये बता ठंडी है, मेरा डर है डर। इसे गर्मी लग रही थी, मम्मी ने इसे घूर के देखा, मम्मी मना कर रही थी से आने के लिए, तो ये कहने लगा ठंड लग रही है ठंड। ये सारी ज्वेलरी ले ली हमने, और ये मास्क ने सारे की सारी ज्वेलरी है हम सबकी, और ये मम्मी ने फ्रूट्स दिए। हाँ मैं देखती हूँ ना मेरे टॉप्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 बस। मेरे हैं 9 मैक्सिमम 9 से 10 कपड़े। 9 तो हमेशा तेरे ऐसे आते हैं माशाल्लाह। ठीक है अब हैदर को लेके जाएंगे खाली अकेले, हैदर और मम्मी। ठीक है हैदर, डन। यो यो मिनाज, देखिए हैदर मम्मी नाज हो गई। सॉरी मजाक कर रही हूं, थैंक यू मम्मी जाए तो सारे कपड़े दिखाने के। ओके बेटा अल्लाह का शुक्र करो। और भी निकलेगा बेटा, देखो यहाँ से ये गोदाम भरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, गेट आउट निकालो कपड़े। गाइस मैं इसके ना तुम्हें एक ना बैग बनाऊंगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मम्मी जान थैंक यू। ठीक है बेटा वेलकम। ओहो तो मेहनाज ने हैदर को इतना ठंडा पानी पिला दिया कि हैदर के मुंह से निकल गया पानी। मैंने पानी पिया बहुत ठंडा पानी था, फिर बहुत ठंडा पानी था, फिर मेरा पूरा मुंह ठंडा हो गया, फिर थोड़ा पानी मेरे अंदर आया, फिर मैंने अम्मी से बोला अम्मी बहुत ठंडा पानी है, और जैसे बोलते बोलते तुम्हारे ऊपर मैं छींटा का थूकी और आपने ठंडा कर दिया पूरी पानी का पूरा पान पान। हैदर ने बोला कि अम्मी इतना ठंडा पानी ले जाने थूक दूं, तो मेहनाज की हंसी निकल गई। और मेहनाज ने देखो सारा पानी गिरा दिया, यही गिरा पानी। और हैदर के लिए है कैप, हैदर कैप दिखाओ निकाल के। और ये लाई हूँ हैदर के लिए कैप, क्योंकि मम्मी जा रही है बाहर, तो अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े कपड़े दिला दिलू के जा रही है, क्योंकि हैदर को एहसास ना हो कि मम्मी ऐसी चली गई। लो हैदर पहन के दिखाओ, ये बात क्या बात है माशाल्लाह। ये हमने इतने सारे कपड़े लिए थे तो भैया को बेचारों को तरस आया, कहने लगे परेशान मत हो आप, मैं एक थैली दे दे रही, बैग दे दे रही हूँ आपको, उसमें आपका सारा सामान आ जाएगा। पब्लिक सिलेक्शन से हैदर के कपड़े लेके आई हूँ। देखो ये रहे हैदर के कपड़े, अरे ये तो टॉम एंड जेरी वाले तो बहुत अच्छे हैं। और ये ऐसे लाई हूँ मैं कपड़े इसके, ये देखो एक ये है, आप बता दो सारे अच्छे हैं हैदर के कपड़े भी। और एक ये है हैदर का, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इसका पजामा ये भी अच्छा है। तो ये हो गए हैदर के कपड़े, और अब मेहनाज एक एक करके दिखाएगी हमारे कपड़े। ये किसका है भाई? तो ये देखो एक तो मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए, और ये भी मम्मी एक ये ले गई हूँ अपने लिए। कैसा लग रहा है? एक ये ले गई हूँ, अच्छा लग रहा है। मैंने तेरे ऊपर भी अच्छा लग रहा है। तीन हो गई है मेहनत मेरे ना, तीन तो ये लेके आई हूँ, और एक कुर्ता ये है मेरा, ये आप देख सकते हैं, और एक ही लाई हूँ। सारे इतने प्यारे प्यारे कलर हैं, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं। कैसे गुजल के रख दिया कि रेड़ा मार दिया है मेहनत, क्या बात है, वेरी गुड। अब मेरे कितने कपड़े हो गए, अभी मैं कितने लेके आई हूँ, 1 2 3 4 5 पांच जोड़ी मेरे हो गए, अच्छा लग रहा है बहुत माशाल्लाह। सेकंड ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड। हाँ अच्छा लगा मुझे ये, तो मैंने इसलिए कहा कि मैंने से ले ली, मैंने तो अच्छा लग रहा है, मैंने तो भूल नहीं रही थी। और एक ही दिखा मैंने लाल वाला, ये बात कितना प्यारा लग रहा है।
एक ही चलते चलते वाइट पसंद आ गया उसी की शॉप पे, मुझे ये बता भी नहीं रही थी। फिर मैंने कहा मीनाज ले ले अच्छा लग रहा है, मीनाज ने ले लिया, अच्छा लग रहा है मीनाज जान का। एक ये भी लिया है मीनाज, तेरे पर तो वो लगाना मन नहीं है, हो गई तेरी बल्ले बल्ले माशाल्लाह। नहीं हैदर की भी अच्छा है, हैदर के एक किलो कपड़े है बढ़िया। और दिखाओ तुम्हारे तो कपड़े और हैं माशाल्लाह बहुत बढ़िया। मैंगो अभी ये आम पके भी नहीं है, कच्चे हैं क्योंकि अभी आधे कच्चे आधे आधे पके हुए दिख रहे हैं। एक हैदर का एक बनास का आम है, ठीक है खा लो। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो मल्टी कलर है ये। और मीनाज जान मुझे दिलवा रही थी लेकिन मेरे नहीं आएगा, ये इसके आ जाएगा मीनाज की। और ये वाली बैंगल की है हमने, हाँ ये मीनाज की, ये भी मीनाज की है। और ये मेरे हैं, मैं जाने के लिए लेके आई हूँ। और ये रहे विभू के, तो ये हम सब लोग हैं इन बच्चे। और ये लेके आए हैं हम इयररिंग्स, अच्छे लग रहे हैं ना। कमेंट में ज़रूर बताना कि कमेंट में आप लोग ये बताना कि सबसे ज़्यादा अच्छे कौन से लगे। हाँ इसके अंदर ये देखो मेरे छोटे से बुंदे भी लेके आई हूँ मैं, और लॉन्ग भी लेके आई हूँ, देखो नजर आ रहा है आपको छोटे छोटे से बुंदे। ये मैं ऊपर के कानों के लिए लेके आई हूँ, एक ही सेट लेके आई हूँ मीनाज जान के लिए, नाजुक सा। मीनाज को ऐसी चीज़ें पसंद है, ज़्यादा हैवी नहीं पहनती मीनाज। और ये लाई हूँ मैं नोज पिन, दिखाओ मीनाज। ये यूरोप भी मैं यही पहन के गई थी है मीनाज। तो मीनाज जान ने मुझे दो दिलवा दी, मीनाज ने कहा एक खो जाएगी मम्मी तो एक आपके पास दूसरी भी होगी, तो मैंने दो ले ली। हाँ अच्छी लग रही, चल ठीक है पहले तो ये लाई हूँ मैं हैदर जान की नहीं चैन। आज मम्मी पापा बाहर गए थे तो हैदर जान की नहीं चैन ले गए, क्योंकि हैदर की चैन टूट गई थी ना। वाओ कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदर की चैन टूट गई थी तो इसलिए उसके पापा ने प्रॉमिस करा था कि हैदर हम बाहर जाएंगे तो हमारे लिए चैन जरूर लेके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर की चैन आ गई माशाल्लाह। ये हैदर की हमारी चांदी की चैन है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। गुड हैप्पी लाजवाब। ये लाया था 500 रुपए की बिरयानी लाया था हमने, दोबारा दोबारा खा ली पेट। और गाइस मम्मी बना रही है रोटी, बस मतलब बन चुकी है, ये वाली बन रही है बस लास्ट, और ये सब बन चुकी है। और आज बनाई है भिंडी रोटी, मजेदार बन रहा माशाल्लाह, लजीज देखने से लग रहा है। फिर खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बाकी घर पर हम लोगों ने साफ कर दिया, मेरे को साफ पड़ा है, वो हैदर के खिलौने। बाकी हम लोग आए तो मम्मी ने चादर वहाँ पे रख दी थी। The next morning. तो गाइस पापा के शागिर्द आए थे और ये पापा के लिए लेके आए हैं टैब, लेके आए इसका स्टैंड है, ये देख सकते हैं आप। ये पापा यहाँ से टाइट हो गई, ये ऐसे टाइट हो तो यहाँ रुकी गए, लंबा होगा ना ये, कितना तो खुल जाएगा उससे। चलो गाइस देखते हैं हम इसको, ओहो इसकी हाइट देखो, नीचे रख के देखते हैं पापा। ये देखो ये हाइट इसकी बढ़ रही है, ये देखो ये स्टैंड देखो कितना बड़ा हो गया। इसको टाइट करते हैं यहाँ से, 5 फुट और खुलेगा। पापा यहाँ से जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ से ऊपर ऊपर खुलेगा, अब यहाँ से खुलेगा ये, अब इसकी बारी है। ये देखो और खुल गया, ये देखो पापा की हाइट का आ गया। अब यहाँ से आराम से टैप लगा के लोकेशन दे सकते हैं, ये देखो ये और खुल गया, एक लेयर और खुल गई, ये बिल्कुल पापा की हाइट का आ गया। अब यहाँ पर ये लेयर काफ़ी है, ये भी खुल जाएगा और खुल जाएगा, ये देखो टैप यहाँ से भी खुल जाएगा टैप। अभी टैप खोल के देखते हैं पापा करेगा, और ये बटन है ना, हाँ अगर मोबाइल लगाना तो उसको ऐसे करो, और टैप लगाना है तो उसको, ये बड़ा टैप के लिए जी। चलो ये देखो उसकी हाइट देखो उसकी, हाँ हैदर से भी ऊँचा है स्टैंड। चलो अभी टैप खोलते हैं इसका, हाँ एसेसरी मिली है, एसेसरी मिली है, हाँ इसके अंदर अब ये खुल गया। मैंने क्योंकि नीचे बाहर के ऊपर ये आ गया टैप, फाइनली आया हैदर। गूगल हाँ गूगल कंपनी का है, 256 GB, 256 GB का है। चलो
वेरी नाइस बहुत बढ़िया सीधा यहां से ऑन करोगे देखो और इसका देखो चार्जर भी है यहां पे इसके अंदर एक्सेसरी देखते हैं क्या क्या एक तो ये दिया है इसका स्टैंड है अगर शायद अगर सोचो अगर इसके अंदर आईफोन होता तो हां क्या इसके अंदर आईफोन होता तो हाँ ये स्टैंड है इसका ये रहा ना ये देखो ये इसी से लगा रखा है अच्छा मैग्नेट ये मैग्नेट है ये है ना ये मैग्नेट ही देखो इसके ये मैग्नेट है अगर ऐसे बैठ के देखना आपको ये देखो ये चिपक गया ये देखो यहाँ से भी मैग्नेट देखो पूरा चिपक गया देखो पापा ने पीछे से पकड़ रखा टैप छोड़ दिया देखो कितनी इसकी मैग्नेट देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये देखो माशाल्लाह ये मैग्नेट है अभी आराम से ऐसे स्टैंड की जरूरत नहीं इसको ऐसे भेजा क्या हाँ स्टूडेंट है ये चार्जर है इसका वो लगाना पड़ेगा यार कन्वर्टर लगाना पड़ेगा कन्वर्टर लेना पड़ेगा और ये डाटा केबल आ गई स्क्रीन कार्ड होगा इसका स्क्रीन कार्ड वाला और सिम निकलने वाला ऑन तो करो उसको हाँ तो यहाँ से प्रेस करा और ये हो गया ऑन ये तो गूगल लिखा हुआ रहा ना ये ऑन हो रहा है लाइट वेट है बहुत हैदर का ये हैदर ठीक है आप हाथ में ले लो हैदर का ये ओके चलो ये ऑन हो रहा है मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग है इसकी तो लगने के बाद बुक चिपक गई है ऐसा कुछ नहीं है तो चलो चलते हैं सैलून और आप लोग देखना मेरे बाल कैसे हो जाएंगे और अभी देखो अब मेरे बाल कैसे हो रहे हैं और पार्लर जाने के बाद में मेरे बाल एकदम से माशाल्लाह इतने अच्छे हो जाएंगे कि मुझे खुद को ही अपने बाल इतने प्यारे लगेंगे और कमेंट में लोग मुझसे पूछते हैं कि सैलून का एड्रेस बताएं नाम बताएं तो मैं हमेशा दिखाती हूँ ऐसी बात नहीं लेकिन आज प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी आपको सैलून का एड्रेस इंशाल्लाह और जिसको जाना हो जाके वहाँ पर काम करवा लें तो चलो चलते हैं सैलून आप लोगों से मिलते हैं बाय अस्सलाम वालेकुम हजरत मेरे बेटे की सुबह हो गई मेरी जान की और मेरा जान और मम्मी ने नाश्ता कर लिया है और मेरी बेटी सो रही है अमन और ये बैठा जाकिर फोन पे बात कर रहा है और ये रही रीबू आज रीबू क्या बना रही है खाने में आज बन गया स्टू का कीमा तो ये रीबू काट रही प्याज तो चलो चलते बेटा है आ रही हूँ अभी हाँ तो चलो चलते हैं मिलते हैं आप लोगों से तो ये आ चुकी हूँ मैं सैलून ये रहा तो चलो चलते हैं अंदर तो आ गई मैं शाहरुख भाई के सैलून में और भाई कमेंट में बड़े लोग आपके एड्रेस पूछ रहे हैं कि एड्रेस बताओ और मैंने बाहर से कितनी बार फोटो डाला है लेकिन एड्रेस बताओ आप इसका पूरा तरीके से जगत राम पार्क के कोने पर है अच्छा लक्ष्मी नगर जगत राम पार्क में यूनिक सैलून हाँ ये यूनिक सैलून के नाम से है यहाँ पर आप आ सकते हैं और भाई से काम करवा सकते हैं और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से मेरे बाल हो रहे हैं देखो कैसे हो रहे हैं मेरे बाल क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ और बाल बड़े अजीब से हो रहे हैं मैंने काले भी नहीं है ये देखो और जब मेरे बाल हो जाएंगे तैयार जब इसमें मैं टचअप करवा लूंगा तब देखना मेरे बाल कितने प्यारे हो जाएंगे इनमें जान आ जाएगी दोबारा से चलो करवाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे तो ये टचअप मेरा होने ही वाला है बस थोड़ा सा रह गया शाहरुख भाई कर रहे हैं अभी दिखाती हूँ जब हो जाएगा तो मेरे बाल वॉश हो चुके हैं और ये देखो बाल इधर के ड्राई कर दिए हमें बाल कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल माशाल्लाह तो ये हो रही है मेरे बालों में ड्रेसिंग शाहरुख भाई ड्रेसिंग कर रहे हैं बालों में अब फाइनल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अब करवा रही हूँ मैं भाई से कटिंग तो ये हो चुकी है मेरे बालों की कटिंग और ये मेरे बाल देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये वही बाल है जिनमें जानी नहीं थी बढ़िया कटिंग हुई है और बढ़िया बाल भी हुए हैं आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है बाय